वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग मॉडर्न इंडिया कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द बुक ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, तो हमने फिफ्थ चैप्टर तक देखा हुआ था, अभी हम लोग सिक्स्थ चैप्टर उसका देखेंगे। तो यूनिट थ्री में ये आता है, हमने यूनिट टू खत्म कर दिया था, राइजिंग रेसिजमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। ठीक है, तो कंपनी रूल के विरुद्ध, ठीक है, लोग जो गुस्सा करके लोगों का जो है गुस्सा उबड़ा और उनके विरुद्ध जो रिवॉल्ट हुए उसके बारे में हम देखेंगे। पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857, 1857 सिपाही म्यूटिनी, सबको पता है। ठीक है, उससे पहले भी छोटे छोटे ऐसे रेजिस्टेंस रिवॉल्ट होते रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस थिंक, हम लोग सब लोग सोचते हैं 1857 सबसे पहला विद्रोह था, बट ऐसा नहीं है। ऐसा कई सारे इंसिडेंट 1857 से पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, पीपल्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, द वर्ड पीपल एनकंपासेस सेवरल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी हु वर अफेक्टेड बाय द एलियन रूल। ठीक है, पीपल का मतलब वो है कि यहाँ पीपल का मतलब क्या है। ठीक है, पीपल का मतलब है कोई भी सेक्शन, कोई भी सोसाइटी, जैसे ओडिशा में पाइको विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे समूह जो कि इस मतलब एलियन मतलब अनजान रूल से परेशान होकर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया या विद्रोह कर दिया, रेजिस्टेंस दे दिया कि भैया, ठीक है, कि द पीजेंट्स आर्टिसंस ट्राइबल्स रूलिंग क्लासेस, ठीक है, कोई भी हो सकता है, रिलीजन रीडर्स, कोई भी रिलीजियस लीडर्स, कोई भी हो सकता है, तो उसको कहा गया हमारा जो है वो पीपल है। ठीक है, द एजिटेशन इन द बनारस इन 1805 अगेंस्ट ए हाउस टैक्स इम्पोज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, द सूरत रायट 1814 अगेंस्ट द सॉल्ट ड्यूटी। ठीक है, छोटे छोटे सब एजिटेशन थे। ठीक है, बनारस में हुआ 1810 में, सूरत में हुआ 1814 में, बरेली में हुआ 1816 में अगेंस्ट द पुलिस टैक्स एंड म्यूनिसिपल टैक्स। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे हैं जो कि पहले हो चुके थे। ठीक है, विपिन चंद्र की बुक में ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी जो है, पीपल्स रेजिस्टेंस टुक थ्री ब्रॉड फॉर्म्स। ठीक है, पीपल्स रेजिस्टेंस जो था, लोगों का जो विद्रोह था, ठीक है, वो तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, सिविल रेबेलियन, ट्राइबल अपराइजिंग, पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, और एक मिलिटरी रिवॉल्ट भी आप कह सकते हो, 1857 में देखा गया वो मिलिटरी रिवॉल्ट था। ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस, ठीक है, विच इन्वॉल्व इंडियन एम्प्लॉयड इन द कंपनीज फोर्स। मिलिटरी रिवॉल्ट किसको कहेंगे? वो कहेंगे जो कंपनी के जो EIC कंपनी के जो आर्मी में जो इंडियंस थे वो लोग जब रिवॉल्ट पे आ गए उसको मिलिटरी रिवॉल्ट कहेंगे। ठीक है, जेनेसिस ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस क्या था? इन प्री कॉलोनियल इंडिया पीपल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलर एंड देयर ऑफिसर वेर नॉट अनकॉमन। ठीक है, इससे पहले भी एंशियंट टाइम पे भी देखिएगा, राजा के विरुद्ध वो कोई बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं था, कॉमन था। ठीक है, बट यहाँ पे ज्यादा हो रहा था, हाई लैंड रेवेन्यू, डिमांड बाय द स्टेट, करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो हार्ड एटीट्यूड ऑफ द ऑफिशियल बींग सम। ठीक है, तो इस तरह से कई रिवोल्ट हमें पहले भी देखने को मिले, राजा ज्यादा कर लगा दिए या फिर कुछ जबरदस्ती किए, तो होता है। द कंपनी वॉज मेयरली इंटरेस्टेड इन एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू। कंपनी का क्या था, उसको ना रेवेन्यू सबसे ज्यादा चाहिए था। ठीक है, तो इसके विरुद्ध से ही इसको विरोध करते करते ये रिवॉल्ट्स होने लगे। कॉलोनियल लॉ एंड जुडिशरी सेफगार्डेड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स कोलैबोरेट्स। ठीक है, द लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स। ठीक है, तो इन सब का कंपनी का लॉ था या फिर उनकी जुडिशरी या तो कंपनी को डिफेंड करता था या फिर उनके जो चापलूस थे उनके डिफेंड करता था। ठीक है, जो उनका काम करते थे उनकी बात मानते थे। ठीक है, दस पीपल लेफ्ट विद नो ऑप्शन चूज टू टेक अप आर्म्स एंड डिफेंड देमसेल्फ। तो लोगों के पास, सीधे साधे लोगों के पास अब कोई चारा ही नहीं बचा था कि हथियार उठाए और अपना हक के लिए खुद लड़े, इसके बिना उनके पास कोई चारा तो था नहीं। ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर पीपल्स अपराइजिंग। अब क्या क्या कारण था जिसके लिए जो साधारण लोग है वो उठे, हथियार उठाया। ठीक है, तो यहाँ पे द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल्स रेजिस्टमेंट रेसेंटमेंट एंड अपराइजिंग अगेंस्ट द कंपनी रूल
कहता है कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हैवी बर्डन ऑफ द न्यू टैक्सेस एविक्शन ऑफ पीजन्स फ्रॉम देयर लैंड्स एंड एनक्रोचमेंट ऑन द ट्राइबल लैंड। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कर लगाना, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन पे, जो एक जो एक खेती बाड़ी करता है, फार्मर है, उस पर बहुत ज़्यादा कर लगा देंगे तो खाएगा क्या, जिएगा कैसे। और दूसरी बात ये हुआ, ट्राइबल एरिया में क्या क्या कंपनी ने वहाँ के लैंड को भी एनक्रोच करने लगे, ये रीज़न सबसे पहले था। एक्सप्लॉयटेशन इन रूरल सोसाइटी कपल्ड विद ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएटरी रेवेन्यू कलेक्टर्स टेनेंट्स एंड मनी लेंडर्स एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड, ठीक है, लीडिंग टू लॉस ऑफ ट्राइबल पीपल्स होल्ड ओवर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन। देखे क्या होता था, हमारे जो आर्टिसंस थे, हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे, वो लोग बहुत ज़बरदस्त, खास करके जो टेक्सटाइल में बहुत ज़बरदस्त बनाते थे, बट उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर को इंडिया में ला दे दिया, और इंडिया का जो इंडिया की जो कपड़े हैं उनके कॉटन है, नील था, ये सब की बड़ी डिमांड थी, और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हाई टैक्स लगा दिया, तो दोनों में ही इनको ही खेती हुआ, तो ये गुस्सा गए और ये रिवोल्ट पे आ जाते थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्री लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जब इंडस्ट्री बंद हो गई तो लोग इंडस्ट्री से हट के एग्रीकल्चर पर आए, और एग्रीकल्चर पर भी जबरदस्त टैक्स लगा रखा था, तो ये कुछ बेसिक कारण थे जिसके लिए अपराइजिंग हुआ। ठीक है, अब सिविल अपराइजिंग क्या होता है, द वर्ड सिविल एनकंपासेस एवरीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू डिफेंस और मिलिटरी, बट हियर वी हैव इंक्लूडेड दोज अपराइजिंग विच वेयर जनरली लेड बाय डिपॉजिटेड नेटिव रूलर्स और देयर डिसेंडेंट्स फॉर्मर जमींदार लैंड लॉर्ड। ठीक है, मतलब जो आर्मी से रिलेटेड नहीं है वो सिविलियंस है, कहते ना यू सिविलियंस, तो आर्मी और डिफेंस से अगर रिलेटेड नहीं है तो वो सिविल है। तो इसमें कई बार देखा गया है कि फॉर्मर जो पहले जमींदार थे, कुछ अच्छे पोजीशन पे थे, वो लोग भी इसमें शामिल थे। ठीक है, इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री सर्विस एंड ट्रिब्यू, ऐसे भी ये थे, कई सारे ऐसे लोग थे जो रिटायर्ड मिलिटेरियंस थे। ठीक है, तो इसको कहा गया हमारा सिविल अपराइजिंग। द मास सपोर्ट जनरली केम फ्रॉम द रैक रेंटेड पीजेंट्स अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस एंड डिमोलिश्ड सोल्जर्स although at the center of this uprising were East Oil power welding classes। ठीक है, तो सिविल अपराइजिंग का कारण क्या था, तो उनका तो समझ में आता है। ठीक है, अंडर द कंपनी रूल देयर वेर रैपिड चेंज इन द इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वेल्ड अगेंस्ट द पीपल। ठीक है, कंपनी बार बार जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है इन सब को जो बार बार बदलती थी, ठीक है, तो जो कि लोगों के ऊपर एक प्रॉब्लम होता था। Several जमींदार्स and polygers who had lost control over their land and its revenue due to the colonial rule। ठीक है, कई सारे जमींदार भी ऐसे थे जिनसे उनकी लैंड छीन ली गई, उनके रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर छीन लिया गया, तो वो भी एक रीजन हुआ, ताकि जिस कारण जमींदार और पोलायम्स जो है थे पोलिगर्स, तो वो लोग भी इस रिवॉर्ड में साथ दिए। द ईगो ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड पोलिगर्स वाज हर्ट ड्यू टू बींग साइडलाइन बाय द रैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, जमींदार पॉलिगर्स जो थे उनकी वो हर्ट हो गया कि भैया तुम लोग हमें हटा दिए। ठीक है, तो वो भी आके इनसे मिल गए। द रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले ही बता रखा है। द प्रिंसली क्लासेस इंस्टिगेटेड हैटर एंड रेबेलियन अगेंस्ट एलियन रूल। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली कास्ट थे, वो भी इस पर गुस्सा हो गए। ठीक है, फॉरन कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूलर हु ऑलवेज रिमेंड एलियन टू दिस लैंड। ठीक है, उनका जो फॉरेन कैरेक्टर, हम सुपीरियर हैं, हम ये है वो है, तो वो चीज़ हमारे यहाँ के जो लोगों को इतना भा नहीं रहा था। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल अपराइजिंग क्या था, सिविल अपराइजिंग का जनरल कैरेक्टर था, दीज अपराइजिंग मोस्ट केसेस रिप्रेजेंटेड कॉमन कंडीशंस थ्रू सेपरेटेड इन द टाइम एंड प्लेस। द सेमी फ्यूडल लीडर ऑफ सिविल अपराइजिंग वेयर बैकवर्ड लुकिंग एंड ट्रेडिशनल इन आउटलुक। Their basic objective was to restore earlier forms of rule and social relations. These uprisings were the result of local cause and grievance and were also localized in their consequence. ठीक है, मेरे सादा सीधा दिखने वाले लोग थे, कोई बहुत ज़्यादा आर्म फार्म लेके नहीं आते थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स क्या थे, इम्पोर्टेंट पहला था सन्यासी रिवॉल्ट। ठीक है, 1763 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द डिजास्ट्रस फेमिन ऑफ 1770
एंड हार्स इकोनॉमी ऑर्डर टू द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कंपेल्ड ए ग्रुप ऑफ सन्यासी इन ईस्ट इंडिया टू फाइट द ब्रिटिश यॉक. ठीक है. ओरिजिनली पिजन्स इवन सम एविक्टेड फ्रॉम लैंड दीज सन्यासीज वेर जॉइंड बाय द लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोज स्मॉल जमींदार. ठीक है. डिसबैंड सोल्जर्स एंड रूरल पुअर्स दे रेडेड कंपनी फैक्ट्रीज एंड द ट्रेजरीज एंड फॉर द कंपनीज फोर्स. ठीक है. It was only after a prolonged action and Warren Hastings would subdue the sannyasi equally participated in the Hindus and Muslims. Sannyasi revolt ऐसा था. Sannyasi revolt में main कौन थे? ठीक है. Rebellion फकीर rebellion भी इसको कहा जाता है. ठीक है. सब sannyasi थे, उनके साथ सब लोग रहते थे. जैसे कि मजनूम शाह थे. ठीक है. मजनू शाह भी कहा जाता है. चिराग अली था, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी वेर इम्पोर्टेंट लीडर्स. ठीक है. देवी चौधरानी पार्टिसिपेट रिकॉग्नाइज द वुमेन्स रोल इन, ये पूछा जाता है. देवी चौधरानी सन्यासी रिवॉल्ट में साथ थी. ठीक है. अर्ली रेजिस्टेंस. ठीक है. आनंद मठ से ये निकली थी, ब्रिटिश से, ब्रिटिश रूल में. द सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवॉल्ट. बंकिम चंद्र ऑल्सो रोट ए नॉवेल देवी चौधरानी एज द सॉ ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द वुमेन टू टेकिंग अप द स्ट्रगल अगेंस्ट द एलियन रूल. ठीक है. फिर आता है रिवॉल्ट इन मिदनापुर एंड धालभूम. ठीक है. धालभूम 1766-1774 तक रहा. इंग्लिश टुक होल्ड मिदनापुर इन 1760. ठीक है. At that time, there were about 3,000 jamindars and talukdars having cordial relation with their lords. But this harmonious scenario changed after introduction of a new land revenue system by the English in 1772. ठीक है. सब कुछ ठीक ठाक था, बट उन्होंने एक, अंग्रेजों ने एक नया रेवेन्यू सिस्टम वहाँ पे डाल दिया. According to the British government, Vansittart, the zamindar of Midnapur sided their riots in case of conflict between the riots and English revenue collecting officials. The zamindars of Dhalbhum, Manbhum, Raipur, Panchit, Jhati Buni, each jitne bhi jagah the, Karnagar and Bagri living in the vast stretch jungle, Mahalas of the west and north west Midnapur were ultimately disposed their zamindars by 1800. The importance leader of the इसमें कौन कौन थे? दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ दाल. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली क्यों हुआ, जो नया रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज किया गया ब्रिटिश के द्वारा, इसी के विरोध में ये हुआ. रिवॉल्ट ऑफ मुआमारीज. मुआमारीज क्या है? 1769 में हुआ, 1799 तक. द रिवॉल्ट ऑफ मुआमारीज इन 1769 वाज ए पोर्टेंट चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ अहोम किंग ऑफ असम. ठीक है. अहोम किंग ऑफ जो असम के थे, उनको चैलेंज करके ये हुआ था. द मुआमारीज वेयर लो कास्ट पीजेंट्स हु फॉलोड द टीचिंग ऑफ द अनिरुद्ध देव. ठीक है. एंड देयर वाइज वाज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर लो कास्ट ग्रुप इन द नॉर्थ इंडिया. ठीक है. तो ये जनरली अहोम किंग के विरोध हुआ था. फिर आता है सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच 1781. वारेन हेस्टिंग्स इन ऑर्डर टू मीट द वार एक्सपेंसेस अगेंस्ट द मराठाज एंड मैसूर मेड ए प्लान टू अर्न मनी बाय इन्वॉल्विंग इंग्लिश ऑफिसर्स एज इजारदार्स. ठीक है. रेवेन्यू फार्मर्स. ठीक है. इन अवध ही इन्वॉल्व मेजर अलेक्जेंडर हैने हु वॉज वेल एक्वेंटेड विद द रीजन एज एन इजारादार इन 1778. हने सिक्योर द इजारा ऑफ गोरखपुर एंड बहराइच टू द अमाउंट ऑफ 22 लाख रुपीज फॉर वन ईयर. इनफैक्ट इट वॉज अ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट बाई द कंपनी टू सी फॉर इट सेल्फ जस्ट हाउ टू सरप्लस मनी वॉज एसेसिबल इन प्रैक्टिस. तो अल्टीमेटली यहाँ भी वही हुआ, जो वार में उनका खर्च हुआ वो वहीं से निकालना चाहा. और ऑब्वियसली वहाँ पर जो रेवेन्यू है जनरेट किया, इसका मतलब टैक्सेस वैक्सेस बढ़ा दिया होगा, तो इसके खिलाफ यहाँ पर रिवॉल्ट हो गया. रिवॉल्ट ऑफ राजा वाजियानगरम 1794 में. वाजियानगरम का जो राजा थे उन्होंने 1794 में कर दिया. इन 1758 ए ट्रीटी वाज मेड बिटवीन इंग्लिश एंड आनंद गजपति राजू द रूलर ऑफ वाजियानगरम टू जॉइंटली आउटसाइड द फ्रेंच फ्रॉम द नॉर्थ सरकार्स इन दिस मिशन. दे वर सक्सेसफुली
successful, but the English as well as was usual in their case in India went back on their word to honor the term of the treaty. आनंद राजू डाइड बिफोर, ठीक है, तो ये भी वही था जो उसकी जो ट्रीटी थी उसको वायलेट कर दिया, ऐसा बोला अंग्रेजों ने, यहाँ पे विद्रोह हो गया. रिवोल्ट ऑफ धुंडिया इन बेदनूर 1799 से 1800 तक. आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर इन 1799 द इंग्लिश हैड टू कन्फ्रंट मैनी नेटिव लीडर्स. धुंडिया वाघ ए लोकल मराठा लीडर who was converted to Islam by Tipu Sultan and put into jail due to his misadventures got released in the hall of Seringapatnam. Very soon Dhundia organized a force which consisted of anti-British element and carved out a small territory for himself. A defeat by the English in August 1799 forced him to take refuge मराठा. ठीक है, तो ये इसके लिए हुआ था धुंडिया ने. यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा फाजासी राजा 1797 में हुआ था. देखिए बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है हम लोगों को याद रखने के लिए, बट कौन सा रेजिस्टेंस कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसका रीजन क्या था, इतना जानना ज़रूरी है. केरला वर्मन केरला वर्मन फाजासी राजा पॉपुलर नोन एज केरला सिम्हम, लायन ऑफ केरला कहा जाता है इनको, पाइची राजा भी कहा जाता है, वॉज डी फैक्टो हेड ऑफ कोटायम, ठीक है, इन मालाबार रीजन. अपार्ट फ्रॉम रजिस्टरिंग हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, केरला वर्मन फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बिटवीन 1793 एंड 1805. द थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 में एक्सटेंडेड इंग्लिश पारामाउंसी ओवर कोटायम. ठीक है, ये इसलिए इनका साथ ये रजिस्टेंस हुआ था केरला में. फिर उसके बाद यहाँ पर अपराइजिंग ऑफ पालामाऊ है, ठीक है, पोलीगर रिवॉल्ट है, इन सबको अच्छे से, ठीक है, अपराइजिंग ऑफ भिवानी, ठीक है, जाट हरियाणा में ब्रोक इनटू द रेबेलियन, दीवान वेलू थम्पीज रिवॉल्ट, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हैज कंडीशन इम्पोज ऑन द त्रावणकोर आफ्टर बोथ एग्रीड टू सब्सिडरी एलियंस अरेंजमेंट अंडर द वेलेजली इन 1805 कॉज डीप रेजेंटमेंट इन द रीजन. ठीक है, कुंद्रा प्रोक्लेमेशन हुआ, प्रोक्लेमेशन. ओके, डिस्टर्बेंस इन बुंदेलखंड 1808 to 12. वास्ट प्रोविंसन ऑफ बुंदेलखंड कॉन्क्वर्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वार वॉज पुट विद इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल. द बुंदेल चीफ ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू द न्यू गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज दे कुड फाइट देयर फोर्ट नंबरिंग नियर द 150. ठीक है, तो रेजिस्टेंस केम फ्रॉम लक्ष्मण दावा एंड किड़ाधर, ठीक है, फोर्ट कमांडर ऑफ अजयगढ़. ठीक है, जब वो नए गवर्नमेंट आए तो इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया. पाला खेमुंडी पाला की मेडी आउटब्रेक. ठीक है, पाला की मेडी सिचुएटेड वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द गंजाम डिस्ट्रिक्ट नाउ ओडिशा विटनेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द जमींदार्स एंड राजस. व्हेन द कंपनी रिक्वायर्ड अक्वायर्ड गंजाम, नारायण देव विच राजा ऑफ पाला की मेडी पाला खेमुंडी भी कहा जाता है विच रेजिस्टेंस फोर्स्ड ब्रिटिश टू डिस्पैच ऑन आर्मी अंडर कॉलोनल पीच. ठीक है, तो यहाँ पर भी रजिस्टेंस मिला. कच्छ और कच्छ रेबेलियन 1816 to 1832. देयर वर ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड महाराजा भारामल टू ऑफ कच्छ इन 1816 बाय विच पावर वॉज वेस्टेड इन द थ्रोन. देयर वॉज हाउ एवर ए पावर स्ट्रगल बिटवीन महाराजा एंड अ ग्रुप ऑफ चीफटेंस. द ब्रिटिश इंटरफियर इन द इंटरनल फ्यूड्स ऑफ द कच्छ एंड इन 1819 राजा भारामल टू raised Arab and African troops with the firm intention of removing the British from his territory. The chieftains, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसलिए झगड़ा हो गया. Rising of Bareilly 1816 में. The immediate cause of the uprising was imposition of the police tax. ठीक है, ये important है याद रखना. वहाँ पे एक police tax लगा दिया गया जिसके लिए वहाँ पर revolt हुआ. ठीक है, पूरा अपसर्ज इन हाथरस. हाथरस में क्यों हुआ? दयाराम ए तालुकदार ऑफ सेवरल विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अलीगढ़ हैड ए स्ट्रॉन्ग बेस इन द फोर्ट ऑफ हाथरस. ठीक है, द फोर्ट कंसिडर्ड टू बी द अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडिया ए सेकंड भरतपुर हैड वॉल ऑफ ग्रेट हाइट एंड थिकनेस डिफेंडेड बाय द डीप डिच
एंड आर्टिलरी माउंटेड एट द टॉप. ठीक है, इंग्लिश हैड कंक्लूडेड ए सेटलमेंट ऑफ हाथरस स्टेट विद दयाराम एज ए फार्मर, बट ड्यू टू द प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हाई रेवेन्यूज दयाराम कॉन्स्टेंटली फेल्ड टू पे एरियर्स एंड बीन कमिटेड मैनी एक्ट ऑफ द हॉस्टिलिटी बाय द गिविंग हार्बर टू गवर्नमेंट फॉर गिफ्ट्स. सो द कंपनी विद द लार्ज आर्मी अटैक्ड हाथरस. तो यहाँ पे हो गया. ठीक है, पाई का रेवेलियन हुआ था 1817 में ओडिशा में. ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिटिया होते हैं ये, फुट सोल्जर्स हैं. ठीक है, लिटरली इनको फुट सोल्जर कहा जाता है. तो एंजॉय रेंट फ्री एंड टेन्योर ऑफ द मिलिट्री सर्विस पॉलिसी. ये राजा को जो है वो मिलिट्री सर्विस देते थे. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्क्वेस्ट ओडिशा इन 1803 एंड द डी थ्रोन द राजा ऑफ कुर्दा एंड ग्रेटली रिड्यूस्ड पावर प्रेस्टीज ऑफ द पाइकर. ठीक है, तो इसको लेकर इन्होंने रिबेल्ट कर दिया. अगर हम देखें तो कई सारे आते हैं. ठीक है, पीजेंट रिवोल्ट का मतलब क्या है, जो उस समय जो किसान थे उनको बेसिकली कहा जाता था. ठीक है, तो उन्होंने भी कुछ कारण से जब बढ़ गया, कर बढ़ गया, टैक्सेस बढ़ गए, तो उन्होंने भी रिवोल्ट किया. ठीक है, नार केलवेरिया अपराइजिंग, मीर निथार अली जो थे और तीतू मीर इंस्पायर्ड द मुस्लिम टेनेंट इन वेस्ट बंगाल टू राइज अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड मेनली हिंदूज हु इम्पोज बियर्ड टैक्स ऑन फराइजिस एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स. ठीक है, तो हिंदू जमींदार जो थे वहाँ पर एक बियर्ड टैक्स लगाते थे जिसके विरोध इन लोगों ने. ठीक है, तो पीजेंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. देखिए नाम कब हुआ था, कौन हेड थे, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़िए, मज़ा आएगा और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. जय हिंद.